गौरी खुशी का मौका है, एक तो विजयदशमी भी है आज और आपका जन्मदिन भी है जी। तो सर क्योंकि बहुत कम ऐसा वक्त होता है जब दो त्यौहार एक साथ आते हैं, लेकिन यहाँ तो ये त्यौहार नहीं, मेरा जन्मदिन त्यौहार नहीं है। खास होगा जिस दिन 11 अक्टूबर 1942 और कई बार बीच में ऐसा हुआ है कि इसी तारीख को इसी दिन दशहरा भी है, विजयदशमी उसी दिन पर पड़ती है। तो ये मेरा सौभाग्य है, ईश्वर की देन है, माता पिता का आशीर्वाद है और इसी तरह उनकी कृपा बनी रहे, बस यही है। अमित जी आज के दिन आपका जन्मदिन है और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो आपने विजय के नाम के निभाए हैं। मैं आलोक आपके तो विजय नाम के किरदार आपने निभाए हैं और आज विजय दिवस भी है और आपका जन्मदिन है, तो इस खास मौके पर सोचिए कोई इंसिडेंट ऐसा। ये उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने मुझे ये नाम दिया और सलीम जावेद साहब ने जंजीर में ये नाम दिया था मुझे सबसे पहले, उसके बाद वो एक तरह से कई फिल्मों में वो नाम आ गया। ये केवल संयोग है कि विजयदशमी के दिन विजय नाम मेरा दिया गया है कई फिल्मों में, केवल संयोग है और कुछ नहीं। अमित जी आप फिल्मों और राजनीति से कहीं ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन और आपने कई मंचों में ये कहा है कि आप कभी राजनीति में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति पद के लिए मजाक करते हैं इसमें शत्रुघ्न बाबू, उनका बचपना है वो करते रहते हैं ऐसे मजाक ऐसा नहीं, लेकिन अगर वाकई आपको राष्ट्रपति पद ऐसा होगा नहीं। अमित सर, डू यू फील लकी बिकॉज यू आर इन इंडिया, पीपल फॉलो यू लाइक रिलीजन? सॉरी सर, पीपल फॉलो यू लाइक रिलीजन?
will you be lucky at times because you're in India, people are falling in like really lucky, people are crazy outside your house every night? Yeah, this is, I'm grateful that, you know, there are followers on the social media and there are people outside. But this doesn't happen just with me, it happens with all film stars and people who are connected with films. They all have a huge following. And that's been there from every time. Every time anybody has been liked for their creativity. So yes, I'm very thankful to them. Bachchan Saab here, Vaseem Akhtar from India News. Aapko Janmadin ki dher sari shubhkamnaen. Dhanyawad. Hum hamesha aate hain aapke ghar pe. Hum har saal baat karte hain. Wahi purani kahaniyan, nayi kahaniyan aap lekar ke aate hain, batate hain hame. Hum bhi celebrate karte hain aapka birthday. लेकिन डे बाय डे अक्सर ऐसा जीवन में देखा जाता है कि चीज़ें बदलती रहती हैं. आराध्या छोटी थी, बड़ी हो गई है. कई इमोशनल बातें आपने ट्विटर पे भी ट्वीट किया है. क्या देखते हैं कि 2016 में बच्चन साहब के लिए नया और पुराना जो सौगात है वो क्या लेकर के आया? प्रतिदिन बस सांस ले रहे हैं, यही नया है और क्या. और इसी तरह अगर सांस चलता रहा तो और काम भी करते रहेंगे. ये मैं नहीं कह सकता कि जितनी सांसें ली हैं वो अच्छी रही हैं या बुरी रही हैं, ये तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं. और जो हमारा काम है, जो व्यवसाय है, उसी को हम करेंगे और आशा करते हैं कि इसी तरह हमें चुनौतियाँ मिलती रहें ताकि हम आगे भी इन चुनौती के साथ जूझें और पर्याप्त हो हमारे लिए ताकि हम अपने काम में और आगे सक्षम काम कर सकें. एक और आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं आपसे. जिस तरीके से हम जानते हैं कि बच्चन साहब सुबह 7 बजे उठ करके जिम में जाते हैं, तो उनकी दिनचर्या होती है, क्या 2016 में बदली है? नहीं नहीं, वैसे ही है. अमित जी, लीजा या जी, हैप्पी बर्थडे एंड शुभ विजय आपको. जी आपको भी. हाँ अमित जी, इतने साल से इतने सारे किरदार निभा रहे हैं आप. आप लिखते भी हैं, ब्लॉग लिखते हैं, गाना गाते हैं, पोइट्री भी कर लेते हैं, कविता पढ़ते हैं, बट व्हाट इज द मोस्ट एंगेजिंग थिंग यू डू टू रिफ्रेश योर सेल्फ? आज आप लोगों के साथ बैठ के बड़ा रिफ्रेशिंग होता है. अमित सर जी, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर. जी धन्यवाद. सो हाउ हैज बीन द डे, यू नो, टिल नाउ, एज इन हु ऑल हैव विश्ड यू फ्रॉम द फैमिली? व्हाट अबाउट आराध्या, एनी स्पेशल थिंग दैट शी हैज डन फॉर यू दिस ईयर? अभी वो रात को 12 बजे परिवार के साथ बैठे, सबने बधाई. आराध्या सो गई थी, अभी भी स्कूल चली गई हैं शायद. नहीं, आज छुट्टी है, अभी सो के उठी नहीं है. तो अभी जाऊंगा, आप लोगों से छुटकारा मिलेगा तो उनके साथ जाके समय बिताऊंगा. बड़ा बड़ा जया मैम एंड अभिषेक सर, सब साथ में थे हम लोग. सो लास्टली, यू हैव हैड अ इवेंटफुल ईयर विद, यू नो, 3 गुड मूवीज दैट यू हैव गिवन व्हिच हैव गॉट वेरी गुड रिस्पांस, वजी, टीन एंड पिंक. हाउ डू यू लुक बैक एट द ईयर गॉन फॉर यू? लुक बैक का समय निकल गया है मैडम, अब तो लुक फॉरवर्ड होना चाहिए. आगे क्या होगा वो देखना चाहिए, जो बीत गई सो बात गई. हेलो सर. सर क्या, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. शिल्पा फ्रॉम सिने न्यूज 18. सर, ओवर द इयर्स यू बीन एन एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर, नाउ अ सोशल मीडिया स्टार. व्हाट आर द अदर फेदर्स वी होप टू सी यू एट योर कैप दिस ईयर? आई डोंट नो, आई डोंट गो लुकिंग आउट फॉर फेदर्स, दे जस्ट कम माय वे एंड आई ट्राई टू एक्सेप्ट देम, try to work with them as to the best of my ability. I hope that there are challenges in the future. I hope that there are people who will challenge me with new projects, new ideas. And if you come across something that needs to be introduced by me or for me to work at, I'll be most happy to receive them. So there are also reports that you're going to be singing a song now for the UD martyrs and the Indian soldiers. Is that correct? No. This is not correct. I think I was at a function in Delhi where a member of parliament who came and met me, he was acknowledging the Hanuman Chalisa that I've sung, and recently that I've sung the Aarti, Ganpati Aarti for Siddhi Vinayak. So he was saying, now you should sing one for this. But I said, yeah, but you know, I need to have some inputs. But I think he just went and said that he should sing, and then from should it became will, and from will it became something else. You know how better the media how it goes. Bachchan sir, Siddhant from NewsEdge. Sir, in the past, sir, now Bollywood has divided into 2 sections, and one is supporting Pak artists working in India, and others. Sir, meri haath jod ke aap se prarthana.
this is not the time. So we need your advice. Just 1 minute. This is not the time, and I don't think it is right to put forward these questions. You know, who said what, why, where, how. This is not the time for it. It is the time for us. The nation is incensed. We all know that. The people of this country are very angry by the incidents that have been happening at our borders. I think it's the time to show solidarity towards our jawans and our armed forces who are sacrificing their life so that you and me can be safe here. That's what needs to be put into question, nothing else. Thank you. Amit ji, we hear from Pilchera ki aur Janamdin ki bahut sari shubhkamnaye. Bahut bahut dhanyawad. Hum sabhi jante hain ki aapko photography aur sitar bajane ki hobby hai. Kya in hobbies ko abhi aap time de pate hain kyunki har din aapke liye naya din hai aur aap bahut zyada active hote ja rahe hain. सितार तो नहीं बजा पाता हूँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाता हूँ, लेकिन प्रयत्न करता हूँ. और जितने भी ये यंत्र हैं सब घर में हैं, यहीं पर ऊपर हैं, और यदा कदा समय मिलता है तो उनके सामने बैठ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूँ, सितार हो, पियानो हो, गायकी हो, गाना सीखना चाहता हूँ, भाषाएँ सीखना चाहता हूँ, समय निकालूँ मैं इनके लिए. अमित जी, अमित आपके राइट में सर, यहाँ पर सर, यहाँ पर अमित जी, आज आपका जन्मदिन दिवस है, बट आज दिलीप कुमार जी और सायरा बानो जी भी उनकी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट, 50वीं वर्षगांठ है उनकी, और हमने रात के मध्यांतर पे उनको बधाई भी भेज दी. अमित जी हियर, अमित जी, शिखर तक पहुँचने का जो ये सफर रहा है, इसमें आपने विविध तरह के रोल किए हैं. शिखर वर्ड निकाल दीजिए, क्योंकि शिखर को मैं मानता नहीं हूँ. जहाँ तक आप अभी पहुँचे हैं वहाँ तक आपने विविध तरह के, ये थोड़ा सा ऊंचाई पे हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे ऊंचा हूँ. आपने जो भी किरदार निभाए हैं कोई ऐसा किरदार है जिसको रखने की ख्वाहिश आप रखते हैं? या सभी किरदार मेरे प्रिय हैं. जितनी भी फिल्में की हैं, जितने लोगों के साथ काम किया, जितने कलाकारों के साथ, सह कलाकारों के साथ काम किया, वो सब मेरे लिए प्रिय हैं. किसी एक की गिनती करना बाकियों का निरादर करना होगा, इसलिए मैं सबके साथ सम्मानित रूप से उनको देखता हूँ. अमित सर, विकास फ्रॉम न्यूज नेशन, आपके सामने अभी जो पिंक फिल्म आई थी सर, उसने बहुत इम्पैक्ट सोसाइटी में सबके जहन में लेकर आई है.